हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब-ए- हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, पिछले दिनों आखिरी बच जाने वाले मेल वाइट राइनो की मौत ने दुनिया भर में जानवरों से मोहब्बत करने वाले लोगों को रंजीदा कर दिया। इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जंगल के चंद जानवर और चंद रिहायशी। भाई आप इंसानों ने क्या रंजीदा होने, आप तो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हो। नहीं, आंसू भी आप हमारे जानवरों के ही बहा रहे हो। नहीं नहीं, दुख तो असल हमें है, तकलीफ तो हमें है कि एक ही रह गया था राइनो, वो भी सफेद रंग का। उसको किसी ने नहीं बचाया, ना ही उसकी नस्ल को किसी ने आगे बढ़ाया है। और गम इस बात का है, टेंशन इस बात की है जंगल के अंदर हमारे सारे जानवरों में और मुझ में भी, जो लोग हम रहते हैं वहां पे इंसान भी, कि आहिस्ता आहिस्ता और भी बहुत से जानवर जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। और वो खत्म होते जा रहे हैं जो, वो ये नहीं है कि जानवरों का कोई कसूर है या कोई बीमारी फैल गई है। भाई अपने हाथों से इंसान उनको खत्म कर रहा है। देखो ना जरा, अभी खाल लेने का जो रवाज पड़ा हुआ है, जानवर की खाल के साथ आप लोग अपनी तो डेकोरेशन बना लेते हो, अपना तो घर सजा लेते हो। भाई अपना घर सजाते सजाते हमारे घर को तो ना मलिया मेट कर दो, जंगल को तो ना खत्म कर दो। आपका घर तो सज गया हमारे शेर की खाल से, हमारे चीते की खाल से, हमारे कैंगरो की खाल से, हमारे मारखोर की खाल से। भाई तुम्हारा घर तो सज गया, मगर हमारा तो खानदान का एक जी खत्म हो गया ना। अभी मुझे किसी ने बताया कि ये जो सांप पकड़ के लाते हैं और उसकी खाल उतार के तो मुख्तलिफ चीजें बनाते हैं, ये सांप बुरा तो हमें भी लगता है, हम भी उससे डरते हैं, मगर उसके अंदर जान तो है ना। मैंने सुना है इंसान जिंदा सांप की खाल उतारता है, क्योंकि वो मर जाए तो कहती है इसकी खाल उतारना मुश्किल हो जाता है, जिंदा सांप की खाल जल्दी उतर जाए। ये जो हमारे सामने सांप बैठे हुए हैं ना, ये जिनका पेंडू बांदरी जैसा मुंह है। यार सुनो तो सही, ये नायाब जानवरों की खालों का कारोबार करते हैं। खबरदार उसे कुछ नहीं कहना तो? ये तो खुशी की बात है कि ये भी जानवरों में शामिल हो रहा है। भाई जानवर जानवर को मार रहा है, अगर इंसान भी जानवर को मारेगा तो वो फिर हम ही में शामिल हो जाएगा ना। यार सारे इंसान बराबर नहीं होते। हमें भी पता है कोई इतना होता है, कोई इतना होता है, कोई इतना होता है। रवैयों में एक जैसे नहीं होते, सारे गधे घोड़ों को तुम एक ही कोंटे के साथ ना बांधो, ऐसे इंसान भी तो है ना। ये 2006 में जो इंग्लैंड की फुटबॉल टीम का कैप्टन है डेविड बेकम, उसने इंकार कर दिया था ये कैंगरू की जो स्किन से शूज बनते थे एडिडास ने बनाए थे, उसने इंकार कर दिया था कि जानवरों पे जुल्म है। उसके बाद एडिडास ने वो जूते बनाना छोड़ दिए। तो हम जानवर भी तो आज तक डेविड बेकम के परस्तार हैं, उसके नाम की जंगल में धमाल डालते हैं। हम जो इंसान जानवरों से प्यार करते हैं उनकी कदर करते हैं, बात तो और या उन लोगों की जो हमारी खालें उतार के तो अपनी जिंदगी को रंगीन बनाना चाहते हैं। और टार्ज़न मियां, इंसान तो इंसान की खाल उतारने से बाज नहीं आ रहा। तो भाई आपस में लगे रहो, हमें क्यों आके मारते हो। ये देखो हमारा जंगल का बादशाह, इसकी खाल आप लोगों को इतनी पसंद है कि आधे से ज्यादा इसका खानदान, इसका कबीला बेचारा उधर खाल के बगैर ठंड में बैठा होता है सर्दियों में। आधी खाल तो इसकी भी उतार के ले गई, मैंने इसे धोती खरीद के दी हुई। अच्छा इसलिए इसने धोती पहनी हुई है। और मैं धोती बन के मेरे मंजी नहीं कसन लगा। ताए शेर दी खाल इंसान ने लाई है तो वक्त मेनू पाया होया। वो कैसे? रोजगार दे विचो हाथ बाहर काट के कहंदे ने धीए ए मेरी धोती ते धो दे। चल मरदी क्यों जानी है, मैं भी जदों शहर जाना
ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈਆ ਡੇਢ ਪਰ ਮਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਜੰਗਲ ਕਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਹਮਾਰਾ ਕਿਆ ਮਿਲ ਜਾਤਾ ਤੁਮ ਲੋਗੋ ਕੋ ਯੇ ਖਾਲੇ ਉਤਾਰਨੇ ਸੇ ਟਾਰਜ਼ਨ ਮੀਆਂ ਤੁਮੇ ਮੈਂ ਆਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਬਤਾਉਂਗਾ ਤੋ ਤੁਮੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਬਲਕੇ ਤੁਮਾਰੇ ਹੋਸ਼ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਏਂਗੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਇਸ ਦਰਿੰਦਗੀ ਪਰ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿਆ ਹੈ ਆਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਆਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਯੇ ਬਤਾਤੇ ਹੈ ਅਰੇ ਤੂੰ ਵੀ ਟਾਰਜ਼ਨ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਆ ਲੈ ਕਾ ਤੂੰ आदादो शुमार में ये बताते हैं कि इंसान जानवरों की ट्रेड यानी इसकी खाल इसके दांत इसके पंजे ये जो ट्रेड है गैर कानूनी ये 23 अरब डॉलर से ज्यादा है 23 अरब डॉलर और ये दुनिया 23 अरब और ये मनुष्यात और असले के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी इलीगल ट्रेड है भाई मुझे तो इस बात के चक्कर आ रहे हैं कि 23 अरब डॉलर आपने कमाया हमें रियलिटी नहीं दी बीच में से दाजन चक्कर आ रहे हैं पैनाडोल ले लो यार तुम वो रॉयल्टी ले लोगे जो तुम्हारे इन प्यारे जानवरों की खालों से मिलेगी तुम्हें और नहीं मैंने क्या करनी है रॉयल्टी पैसे लेके तो इन बेचारों में बांट दूंगा इनका कुछ तो दुख कम होगा खाले उतार ली देख तो सही बेचारे शेर को ये तो धोती बांध के बेचारा हिरण के पीछे नहीं भागता कहीं धोती पाँव के नीचे आ गई तो काम खराब ना हो जाए शेर ना तो बड़ी ज्यादती हुई बेचारा ना जो तो खाला लथी ना पित निकली सी कोई रो भी नहीं रहा शेर का गिदड़ आके सेल्फियां बनाउन दे शेर की शेर किस बात का रह गया आप तो जाते आते जानवर पूछ रहे होते हैं भाई धोती बांध के घर ही बैठा रहता है दुकान क्यों नहीं खोलता आगे से बेचारा कसमें उठा उठा के बता रहा होता है कि भाई मैं जंगल का बादशाह हूँ वो मानते ही नहीं वो कहते हैं धोती तुमने दुकानदारों वाली पहनी हुई है टार्जन मैं तो कहती हूँ एक एनजीओ बना लेते हैं उसका क्या फायदा होगा जी एनजीओ का अरे बड़े फायदे होंगे हमें पैसे मिलेंगे हमारे जानवरों को सहूलत मिलेगी इनका ख्याल होगा देखभाल होगी और हमारी शोहरत भी होगी एक मिनट शोर नहीं करो जरा शोर रे ये एनजीओ होती क्या है रे ये एनजीओ वो होती है जो हमारे नाम पे करोड़ों डॉलर हड़प कर जावे जैसे ये हमारा शेर हिरण को हड़प कर जावे ना वैसे शेर तो हिरण का छोड़ता ही कुछ नहीं ये एनजीओ भी हर चीज खा भी जाते हैं एनजीओ भी कुछ नहीं छोड़ती नहीं तो ये काम क्या करती है काम आपके लिए करते हैं होते हमारे दरमियान है नहीं तो हमारा क्या काम करती है हमने कौन सा सवेरे सवेरे दही मंगवाना होता है या शेर की गड्डी धोनी होती है या बांदरी का बच्चा स्कूल दाखिल करवाना होता है हम तो उधर ही अपने दरख्तों पर मौजे कर रहे होते हैं आपके तहफ्फुज़ के लिए काम करते हैं तहफ्फुज़ किस बात का खुद बता रहे हो अरबों डॉलर हमारी खालों पे आप लोग कमा चुके हो तो फिर एनजीओ किस बात की बन गई भाई वो अलग कमा रहे हैं एनजीओ अलग कमा रही है लो भाई जानी हमारे नाम पे हफाजत भी हो रही है और हमारे नाम की कत्लो गारत भी हो रही है यानी खुद अरबों रुपया जिसकी खाल उतार के तो कमा रहे हैं वो बेचारा जंगल की टाली के नीचे कुल्फियों वाली रेड़ी लगा के खड़ा होता है वो जंगल का बादशाह और आजकल बेचारा पाशक कुल्फियों वाला बना हुआ है शेर ने तो झूठ बोलने की सजा मिली वो कैसे लोगों को कहता से देसी क्यों दिया कुल्फियां ने वो तो फूड अथॉरिटी का एक बंदा कि अचानक गया जंगल च उन्हें क्या पागला कुल्फी च कड़ा क्यों पाऊंगा अगो कहता मैनू की पता मैं तो शेर हूं ये तो बेचारा इतना परेशान है शेर आजकल ये कुल्फियों वाली रेडी रात को बंद करके बेचारा उल्टा के साफ करने लगा वो निमक वाला पानी इसकी टांगों पे पड़ गया सारे जंगल में चीखे मारता फिर वो कैसे भाई खाल उतार ली हुई है उसकी बेचारे की निमक वाला पानी डायरेक्ट उसको लड़ता रहा क्या हुआ ऐ भाई रहा एजेंट जो ये खल लाना है तो शेर बेचारा कहता इधरों शुरू करो इधरों मेरा चूड़ा निकला बातें मजाक में कर रहे हैं लेकिन किस कदर तकलीफ दे अमर है कि दुनिया भर में जो लोग पैसे वाले हैं वसाइल वाले हैं वो कई सदियों कई दहाइयों से ये दरिंदगी का ये खेल खेल रहे हैं बहुत अरसे से मुझे अच्छी तरह याद है इसका जो लगड़ दादा था इसी शेर का मैंने
खुद उसकी फोटो देखी है बेचारे की, उसको किसी ने मार के नीचे लटाया हुआ और ऊपर उसने छोटे पौंचे वाली पेंट पहनी हुई यार, सर पे पगड़ी बांध के तो पांव शेर पे रखा हुआ। ये अपने लगड़दाते की फोटो लेके शहर के करीब आया वो छोटे पौंचे वाला नवाब ढूंढने के लिए, उधर फिर पकड़ा गया और अपनी आधी खाल उतरवा बैठा बेचारा। अब तो मैं फोर्स बनाने लगा हूं जो जानवरों की खाल की हिफाजत करेगी, ये जो दोनों जंगली है मियां बीवी। इनको मैंने पूरी फोर्स में शामिल कर लिया और इनसे हलफ उठवाया कि ये मोटरवे पुलिस की तरह ईमानदार होंगे, रिश्वत लेके किसी जानवर की खाल नहीं उतरने देंगे। याद रखी असि अपनी खल वाले किसी जानवर की खल नहीं लेने देंगे। तेरी खल मैं की करनी है, मैं करी मशका बना के बेचना वा। तू घर चल, तेरी खल मैं आप लाना चल। क्या कह रही है ये? कह रही है काश को मेरा छोटा भाई होता तो आज इसको पकड़ के मारता। ये अब क्या कह रहे हैं भाई? आपस की कोई प्राइवेट बात कर रहे भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर साल 33,000 हाथी मार देते दांतों के असूल के लिए, सिर्फ दांत हासिल करने के लिए। भाई तुम्हें इतने अच्छे लगते हैं दांत, या तुमने हाथियों के दांतों के साथ इतना ही अपना नाम बनाना है? तो उनको जान से तो ना मारो, उनके दांत निकाल के ले जाओ और उनको पोने गन्ने सप्लाई कर दो जो दांतों के बगैर भी चूसे जाए। और जुनैद साहब क्या फर्क पड़ता है, हम उनके खाने वाले दांत नहीं निकालते, दिखाने वाले निकालते हैं। अच्छा, जेड़े हाथी से तुसी दांत करदे हो ओही तुसी पहचान हुंदी है। हां, जे कड़ने ही ते खाने वाले दांत कड़ो दे, उन्हें कड़ी बटकड़ाई खानी हुंदी। क्या कहे कौन? बड़ा जुल्म करते हैं जी। मेरा अपना जाती हाथी जिस पे मैं जंगल की सैर करता था, सरदार ने जो किस्तों में लिया था नगद लिया था भाई, बल्कि मैंने तो उसका ओन भी पे किया था भाई। मेरा हाथी उसके दांत निकाल के ले गए, वही दिखाने वाले ही। ओए ओए ओए। अभी एक टूथपेस्ट की मशहूरी में वो मॉडल कास्ट हुआ था, उन्होंने कहा कि भाई ये बड़े बड़े दांत भी साफ कर देती है पेस्ट, हमने ये दिखाना है। अच्छा, वो उसने एडवांस पकड़ा हुआ था, अगले दिन उसके सोए हुए के दांत उतार के ले गए, उसे बेहोशी का टीका लगा दिया। वो वापिस आ गई पार्टी एजेंसी, वो कहे एडवांस वापस कर, वो बेचारा उस एडवांस के गन्ने चूस बैठा था। फिर उस हाथी ने फाद मुस्तफा को फोन करके कहा कि खुदा के लिए मेरी जगह तू कर दे इस मजदूरी को। पतला सा होता है हमारा वो चीता, पतली सी उसकी मलमल की खाल होती है, वो भी उतार के ले जाते हैं। बाद में उसकी पसलियां नजर आ रही होती हैं, सारा जंगल उस पे हंस रहा होता है। अभी मैंने आते हुए देखा है एक दुकान के ऊपर मेरे एक वाकफ चीते की खाल के अंदर तूड़ी भर के खड़ा किया हुआ। तुम्हें कैसे पता है वो तुम्हारा वाकफ चीता था? भाई मैंने पहचान लिया उसकी तीसरी लाइन के साथ ही एक मौका था। चीते में तूड़ी भर दिया, अगर उसे कोई भैंस खा गई तो फिर जंगल में तो यही देखा हमने कि चीता भैंस को खा रहा है। इधर शहर में देखो कुदरत का कानून ही उल्टा किया हुआ है, पर भैंस अगर चीता खा गई तो कौन जिम्मेदार है? नाज़रीन यहाँ मिले एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। यार पाजनेद मेरे एक बहुत ही प्यारे हैं इशरत भाई, दुबई होते हैं, टूरिज्म का काम करते हैं, मैं एक दो दफा पहले भी बता चुका हूँ। उन्होंने मुझे कई दफा बताया कि पाकिस्तान टूरिज्म के हवाले से इतना को जरखेज मुल्क है कि अगर इधर टूरिज्म शुरू कर लिया जाए तो यहाँ पे ऐसे बहुत से इलाके हैं, ये गिलगित बल्तिस्तान और स्वात वगैरह इससे हटके कहते हैं बलूचिस्तान की तरफ, सिंध की तरफ, ऐसी ऐसी जगहें हैं कि अगर वहां पे टूरिज्म हो तो करोड़ों डॉलर आप कमा सकते हैं। स्पॉट्स की तो कोई कमी नहीं है,
اگر تھوڑی سی اگر توجہ دے دو تو اب لا اینڈ آرڈر الحمدللہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا. ابھی ہمیں ارادہ کر لینا چاہیے. یہ پوری دنیا میں جو لوگ پھرتے رہتے ہیں ان سے پوچھ کے دیکھو, کسی ملک میں چلے جاؤ, وہاں پہ کسی شہر میں آپ جاتے ہیں تو پتا چلتا ہے جناب یہ فلاں جگہ ہے, اس سے فلاں کہانی منسوب ہے. فلاں اب نہ اس کہانی کا کوئی سر پیر ہوتا ہے, نہ حقیقت سے کوئی تعلق ہوتا ہے, صرف ایک لوک داستان مشہور ہوتی ہے. لیکن آج اس جگہ کا مقصد جو ہے وہ کروڑوں ڈالر اکٹھے کرنا ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو ایسی جگہ بھری پڑی ہیں, اور پھر ہم گپ باز لوگ بھی بہت ہیں, ہم تو داستانیں بنا بھی ہوں لیتے ہیں, بنی ہوئی ہوتی ہیں, بنی ہوئی ہوتی ہیں, اور نہ بھی ہوں تو اصلی بھی ہوتی ہیں, اصلی ہیں. دیکھو نا بلوچستان کو اگر ہم صرف دیکھیں, صرف بلوچستان کو دیکھو, باقی جگہوں کو ذرا ایک طرف رہنے دو. بلوچستان میں ایسے ایسے زبردست ٹورنگ اسپاٹس ہیں کہ میں, میرا مطلب ہے اگر میں محتاط اندازہ لگاؤں نا تو آپ آسانی کے ساتھ, ایک کہا جاتا ہے ایک عام طور پہ کہ یہ جو احرام مصر ہیں اس سے 8 ارب ڈالر کی آمدن ہوتی ہے. صرف مصر, احرام مصر دکھا کے دنیا کو 8 ارب ڈالر کما رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے بلوچستان میں بھی ایک جگہ ہے ہنگول نیشنل پارک, وہاں پہ یہ ابھی اسکرین پہ تمہیں نظر آ رہا ہے, یہ پیرامڈ آف بلوچستان ہے. یہ بلوچستان میں اس کی چھوٹی کاپی ہے, مشابہت دیکھو ذرا. اور یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, بلوچستان کے لوگوں کو بھی شاید پتہ نہیں ہوگا کہ پیرامڈ آف بلوچستان کہاں پہ ہے. یہ ہنگول نیشنل پارک کے دور نہیں ہے, یہ مکران کوسٹل ہائی وے پہ کراچی سے 150 میل کے فاصلے پہ ہے, اور آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہو. لیکن پاکستان میں میرا خیال 99.9% لوگوں نے کبھی ہنگول نیشنل پارک دیکھا ہی نہیں ہوگا. اور یہاں پہ یہ جو یہ ابھی یہ دیکھو, یہ اس پہ اسکرین پہ یہ مجسمہ نظر آ رہا ہے, اگر یہ مجسمہ امریکہ یا برطانیہ میں ہوتا تو وہ اس سے بھی لاکھوں کروڑوں ڈالر کما رہے ہوتے. ابھی یہ ہالی ووڈ ایکٹریس اینجلینا جولی آئی تھی نا, تو اس وقت لوگوں کو بھی اس مجسمے کے بارے میں پتا چلا تھا, اور اس مجسمے کو پرنسس آف ہوپ کا نام دیا گیا. اب تم سوچو کہ اگر اس کو ٹورزم سپاٹ بنا لیا جائے تو کتنے پیسے کمائے جا سکتے ہیں. ہاں جی, کوئی کہانی جو ہے اس کی, یا اس کا کوئی تاریخ اس کی, یا اس کے ویئر اباؤٹس بتائے جائیں تو بڑی اٹریکشن پیدا ہوتی ہے. یہ گوگے کے دادے کو بڑی بڑی دور سے لوگ دیکھنے آتے تھے, مشہور تھا سارے پنڈوں میں جی. اس کا جن کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا تو اس نے جن کو ہرا دیا تھا. یہ تو پھر گوگے نے اب آگے بتایا ہے. ہم سمجھتے رہے کہ شاید باکسنگ کا مقابلہ تھا یا کبڈی کا مقابلہ ہوا, یہ اب گوگے نے بتایا پاجی روٹی کھان کا مقابلہ جیتیا. نہیں تو یار آئیڈیا تو اچھا ہے, ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. گوگے کو چینل کے باہر ساکن کر کے نا یوں کھانا کھا رہا بنا لیتے ہیں, ہم لاکھوں ڈالر کما سکتے ہیں. آپ ادھر اسے ہنوت کر ہی نہیں سکتے. کیوں, ہاتھے تے پہنچ جاتے ہو کدو ہنوت ہو جائے, وہ تو باہر رات تھا کہاں جانے ہی جانے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں, ہم جو اپنی ایسی جگہ ہے نا خود ان کو ڈی ویلیو کرتے ہیں. یہ جو سفنکس آف بلوچستان ہے اس کے بارے میں ہم یہ کیوں نہیں کہتے, دنیا بھر کے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ یہ خود بخود نہیں بنا ہوا, یہ انسانی ہاتھوں نے بنایا ہوا ہے جیسے مصر کا بنے ہوئے ہیں. لیکن ہم بزیدہ کہ نہیں جی, یہ بارشوں اور طوفانوں سے خود بخود تخلیق ہو گیا, یہ خود بخود نہیں بنا ہوا. ذرا پرفیکشن دیکھو نا, اور دونوں کی ریزمبلنس بھی دیکھو. نہیں, یہ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ عوام اپنی کو بتانا, اویئرنیس دینا اپنے علاقوں کے متعلق, اپنی اس طرح کی تاریخی چیزوں کے حوالے سے بتایا جائے گا تو لوگ آئیں گے نا, بتایا جائے گا تو لوگوں میں اٹریکشن پیدا ہوگی. اچھا بلوچستان کا میں تمہیں ایک اور علاقہ بتاتا ہوں جس سے ایک داستان بھی منسوب ہے. ہم میں سے اکثریت کیا میرا خیال کسی نے بھی کبھی اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا. بلوچستان کا ایک علاقہ ہے اور 2.5 لاکھ ایکڑ پر مشتمل علاقہ ہے, اس کا نام ہے کتے کی قبر. نام ہے اس کا کتے کی قبر, کتے جی قبر. ٹھیک ہے, اور اندازہ کرو کہ ابھی وہ خبروں میں آیا وہ علاقہ اس وجہ سے کہ اس کو بلوچستان سے نکال کے سندھ میں شامل کیا گیا ہے, جو نئی حلقہ بندیاں ہو رہا ہے, اور وہ جو زرداری صاحب کی ہمشیرہ ہے فریال تالپور صاحبہ, ان کے حلقے میں شامل کیا گیا کتے کی قبر کو. اب یہ کتے کی جو قبر ہے اس کے بارے میں اس قدر مشہور ایک داستان ہے کہ وہ سنتے ہی بندہ مبہوت ہو جاتا ہے کہ یار یہ وہ علاقہ. کتے کی قبر کے بارے میں یہ مشہور ہے وہاں پہ کہ کسی نے کسی ساہوکار سے کچھ قرض لیا تھا اور ضمانت کے طور پہ اپنا کتا اس کے پاس رکھوا دیا تھا. اچھا, اور کچھ عرصے کے بعد جب اس نے وہ مطلوبہ رقم اکٹھی کی تو وہ ساہوکار کو وہ رقم دے کے اپنا کتا آزاد کروانے کے لیے جا رہا تھا, تو راستے میں اس کو اس کا کتا مل گیا. تو اس نے کہا کہ مطلب یہ تو میری شرمندگی ہے, تم نے میری ضمانتیں تھیں نا صحیح. تو
उसने जब रास्ते में कुत्ते को देखा तो उसने मतलब बड़ी शर्मिंदगी महसूस की कि कुत्ता तो वफादारी की अलामत होता है, जिसके स्पुर्द मैंने तुम्हें किया था तुमने उससे बेवफाई क्यों की। तो कुत्ता ये सुन के शर्मिंदगी से मर गया। सियाना कुत्ता। सुनो तो सही दास्तान आगे कैसे बढ़ती है। तो वो जो बंदा है वो साहूकार के पास पहुंचता है, तो साहूकार कहता है यार तुम्हारे कुत्ते को मैंने खुद आजाद कर दिया था इस खुशी में कि उसने मेरी एक चोरी पकड़वा दी थी। वो फिर बंदा वापस आता है और उस कुत्ते की वहां पे इज्जत के तौर पे उसकी कब्र बनाता है। तो उस इलाके का नाम कुत्ते की कब्र, या सिंधी में उसको कुत्ते जी कब्र, या बरोही में उसको कुचकना कब्र कहते हैं। अगर अब ये दास्तान जो है ये थोड़ी सी इसके को पंफलेट शंफलेट को ब्रोशर छपवा एग्जैक्टली किया जाए तो अंग्रेज तो कुत्ते का पहले ही बहुत ज्यादा दोस्त है। वो तो कुत्तों को बड़ा पसंद करते हैं और इसकी बड़ी वो खातर मदारत करते हैं। और अगर ये दास्तान अंग्रेजों तक पहुंच जाए, सारे अंग्रेज यहाँ पे पहुंच जाएंगे देखने के लिए ये इलाका, तो साढ़े सारे पाकिस्तान के फकीर ने उत्थे पहुंच जाने और फिक्रा भी सीख लेना है प्लीज $1। अच्छा इसी तरह गवादर के पास इलाका है जिवानी, अच्छा वहां पे नमरूद का ठिकाना है। अच्छा। वहां के लोगों का अकीदा ये है, यकीन ये है इस बात पे कि नमरूद यहाँ पे रहता था और वहां पे आज भी जिन्नों भूतों की कहानियां मशहूर है। कई जगह ऐसी हैं जहां पर मुख्तलिफ एक एक जगह के साथ एक एक दास्तान मंसूब है। तो वहां पे आप आसानी के साथ मतलब जिन भूत दिखा के आप टूरिज्म को फरोग दे सकते हैं। तुर्की में ऐसी दर्जनों जगह है जिनकी वाहिद जो वजह शोहरत है वो यही है कि फलां दास्तान फलां दास्तान फलां दास्तान मंसूब है। हाँ जी हाँ जी, इन्हें तुर्की च टोटल जेन नहीं जिन्नियां दास्तान। नाज़रीन यहां में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन हमारे यहाँ तालीमी इदारों में नकल का रुझान बाकायदा एक दर्द सर बनता जा रहा है। पिछले दिनों सिंध में मैट्रिक के इम्तहानात में नकल के तमाम साबिका रिकॉर्ड टूट गए। इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे चंद मुअज्जज असातिज़ा किराम, एक तालिबे इल्म और उनके वालिद मोहतरम। जिन्हें अच्छा दर्दे सर जो है ना जी, वो तो एक डिस्प्रीन या पैनाडोल से बंद हो जाते हैं। है। नबोशी सारी जिंदगी के लिए आपके दिलो दिमाग में बैठ जाती है, जो कि टीचर्स के दिलो दिमाग में घुस चुकी है। हमारे मुल्क के अंदर ये नकल का रवाज और बबांगे दोहल, मैं इस बात पे बाखुदा एहतजाज करने के लिए आया हूं कि ये जो सरेआम नकल शुरू हो गई है और करवा रहे हैं मुख्तलिफ लोग, उसमें टीचर्स जो हैं उनकी बड़ी बेइज्जती हुई। लेकिन मजीद साहब मैं माफी चाहता हूं, इस सारी सूरत हाल से आप खुद को मुकम्मल तौर पर बरी जिम्मा तो करार नहीं दे सकते ना आप। मैं साहब मैं ये समझता हूँ कि जो इस हराम काम में मुलव्वस है, जो हमारी अगली नस्ल को इस बेरारवि का शिकार कर रहे हैं लोग, ये स्टूडेंट्स को जो पैसे लेके नकल करवाते हैं, मैं उनको उस्ताद ही नहीं मानता। वो उस्ताद क्या वो तो दुश्मन है इस मुल्क का। बिल्कुल सही, उस्ताद तो रहबर होता है जुनैद साहब, और रहबर हमेशा उसे कहते हैं जो आपको अच्छा रास्ता दिखाए। आप लोगों से गिला ये है जोरे वाला कि जब आप लोग स्कूल के इम्तिहानात में सख्ती नहीं करते और आपका अमला असातिज़ा खुद इस कभी फेल में बिलवास्ता या इंडायरेक्टली मुलविस हो जाते हैं, तो फिर जाहिर है कि बोर्ड के इम्तिहानात में भी तालिबे इल्म उसी रवैये के आदि हो चुके होते हैं। ऐसा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस हराम काम में मुलविस हैं। मैं माजरत के साथ शम्मत साहब ये कहूँगा कि आपने भी पिछले इम्तिहान में नया मोटरसाइकिल कैसे ले लिया था? ऐसे जी ऐसे। देखे हम सब कुछ समझते हैं, आपकी तनख्वाह जो है उससे आपकी दाल रोटी नहीं पूरी हो रही, तो आप नया मोटरसाइकिल 0 मीटर जिसके पीछे शोरूम का कार्ड लटक रहा हो वो आप निकाल के उसके ऊपर बैठ के साइड मिरर भी लगवा के तो जब आएंगे स्कूल तो मशकूक तो आप हो गए ना जी। एक मिनट मजीद साहब, सारी जिंदगी मैंने हलाल खाया है। हाँ। बड़ा बेटा मेरा दुबई है, उसने मुझे किस्तों पे लेके दिया मोटरसाइकिल। वैसे मैं माफी चाहता हूँ, बेटा भी बड़ा है, होता भी दुबई है और मोटरसाइकिल भी उसने किस्तों पे लेके दिया है। आप उसके वालिद हैं या उसके मलेके फकीर हैं?
मैं बात ऐसी फजूल नहीं करता शम्मत साहब, मुझे पता चला है और फिर अगर कहते हैं तो बता देता हूँ। ये इश्तियाक साहब जो आपके भी बड़े क्लोज हैं। इतने नहीं है क्लोज। क्यों नहीं है इतने क्लोज? वो रियाजी के टीचर हैं, आप केमिस्ट्री के टीचर हैं, आप ना आए वो आपका पीरियड ले लेते हैं, वो ना आए आप उनका पीरियड ले लेते हैं और पता भी नहीं चलने देते। इससे ज्यादा क्लोज क्या हो सकता है। इन्होंने मुझे बताया कि ये शम्मत साहब ने जो मोटरसाइकिल लिया ये नकद लिया है। पता चल जाता है जनाब, एक सेकंड में पता चल जाता है कि कौन क्या कर रहा है। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है जुनैद साहब, जुम्मा जुम्मा चार दिन पहले की बात। ये हमारे इश्तियाक साहब ये जो बैठे हुए साथ जी, हमारे जी। ये रोटी लेके आए हैं घर से। अच्छा, नया स्टील का टिफिन कैरियर था जिसके ऊपर छोटा स्टिकर भी लगा हुआ था मदीना स्टील वर्कर्स। जब इश्तियाक साहब ने तफरी के वक्त अपना रोटी वाला डिब्बा खोला तो सालन हमने देखा है कोफ्ते, वो भी पता चला जब के छोटे कीमे के हैं, छोटे गोश्त के। तो सारे स्कूल में बातें शुरू हो गई कि भाई ये एक टीचर जिसकी महदूद तनहा है, इसके घर छोटे कीमे के कोफ्ते कैसे पक गए। लोगों ने फौरन उंगलियां उठानी शुरू कर दी। मुझे अच्छी तरह याद है दो तीन दिन ये बातें होती रही। कुछ चौथे दिन इश्तियाक साहब ने कलमा पढ़ के कसम उठा के बताया कि ये बड़ी ईद का मेरे साले के घर से गोश्त आया था। अच्छा, वो हमने फ्रिज में रखा हुआ था तो उसके कीमे से हमने ये कोफ्ते बनवाए। अच्छा। भाई हम कोई हराम नहीं खाते। ये भी तो जुल्म ही है ना, जुस्सा एडा सारा ते कीमा छोटा। वैसे मजीद साहब माफ कीजिएगा, इस अमल में सारे फरीकैन शामिल है। देखिए असातिज़ा भी शामिल है, इम्तिहानी अमला भी शामिल है, बच्चे भी शामिल है, बच्चों के वालदैन भी शामिल है। सर माँ बाप क्या करें, अगर बच्चे को मैट्रिक में अच्छे नंबर ना मिले तो कौन सा कॉलेज इन्हें दाखिला देगा? मेहनत करे। सर करते हैं ना मेहनत, क्या करें। जब इम्तिहानी अमला जिसमें टीचर भी शामिल है वो खुद करवा रहे होते हैं नकल, जब दाएं बाएं पूरे इम्तिहानी क्लासरूम में ये हो रहा होगा तो फर्दे वाहद कैसे अपने आप को बचाएगा? तूने बाप की बिस्ती करवा के रख दी है, बिस्ती करा दी है। जिस तरह की तुम्हारी तरबियत है जो मारन डे है बिस्ती करा दी है, ये दो नंबर परफ्यूम भेजता जी। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है एक दफा मुझे गिफ्ट देने के लिए आए। मैं कह कि ये जनाब मैं यहाँ गिफ्ट लेने बैठा, मैं बच्चों की तरबियत के लिए बैठा हुआ हूँ। तो कहते नहीं 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 जनाब आपके लिए लेके आया हूँ मैं, आप रखें ये बॉस का परफ्यूम है। और चौथे पंजवें दिन मैंने एक मल्लेदार ने दसिया है अपने कंपनी के बॉस का परफ्यूम चुक के मैं दे गया। जुनैद साहब बात ये है कि हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। वाकई बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल हो गई है, नकल तो अब आम हो गई है। वो तीरा नहीं, जब हर बंदा सस्ते दामों ही बिकना शुरू हो जाए तो फिर आम ही होने ना ये काम। ये जो भाई साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं नवी मोटरसाइकिल और पुराने मुंह वाले, इन्होंने एक दफा एक स्टूडेंट को स्कूल टेस्ट में सिर्फ इसलिए पास कर दिया कि उसने इन्हें नई जराबों का जोड़ा दिया था। कम वैसे कुत्ता ही है मजीद साहब, वो जराबा का जोड़ा जो मैं खोल के देखा तो एक जराब होर सी एक होर सी। जब जराबों पे बच्चे पास हो गए तो फिर ऐसी नस्ल तैयार होगी ना। नाजीन यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा कहाँ थे यार तुम सब लोग इतने अरसे से, गायब ही थे। सर हमने किसी को बताया था कि हमें बात की समझ नहीं आती क्लास में जी। तो फिर उसने हमें बताया कि भाई जी आपका दिमाग ही हाजिर नहीं होता क्लास में, आप में टेक्निकल फॉल्ट है। फिर हम एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट में दाखिल हो गए थे जी। उन्होंने भी फिर इतनी देर के बाद जवाब दे दिया, उन्होंने कहा जी आपकी मरम्मत हमसे नहीं हो सकती, दफा हो जाइए। सर मैं फिलासफर बनना चाहता हूँ सर। पहले बंदे दा पुत्र ते मान। तुम्हारा टेक्निकल फॉल्ट मैं ही दूर करूंगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। सर इंशाल्लाह आइंदा छुट्टी नहीं होगी जी। अच्छा आज हम डिस्कस करेंगे जी, हर मुल्क के कुछ कौमी निशान होते हैं जी, जी। जैसे उस मुल्क का कौमी तराना, उस मुल्क का कौमी शख्सियत, उस मुल्क का कौमी खेल, उस मुल्क का कौमी जानवर। तो आज हम वतन अजीज के ये जो कौमी निशान है, नेशनल सिंबल्स है, ये डिस्कस करेंगे। सर, मेरे एक कजन के तो कमर के ऊपर चांद ग्रहण का भी निशान था। मैं कौमी निशान की बात कर रहा हूँ। ओके सर। सबसे पहले ये बताएं कि पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा? चील।
वो कैसे यार? सर जी देखिए ना, चील गोश्त बेचने वाले कितने घूम रहे हैं, कितने फिर रहे हैं, इसका मतलब है कि चील की बड़ी अहमियत है, तो हमारा कौमी निशान चील है। नहीं सर, कहाँ सर, कहाँ कैसे यार? सर कहाँ की बड़ी अहमियत है सर, उस पर तो गाने भी बने हुए उड़ कोठे उतो कावा सर। मेरा ख्याल है हमारा कौमी परिंदा जो है वो तोता है। वो कैसे सर? हर दूजे घर का बुआ खोल के वेख लवो, उ तोता जरूर होगा, और कम से कम तुहाडा बुआ तो खोल के जरूर देखना चाहिए। जिन्ने तुहाडे कोल तोते ने, कौमी परिंदा साडा तोता ही होना। जी सर। सर जी हमारा कौमी परिंदा है चरगा। यानी जिस परिंदे का भी चरगा बन जाए ना जी, उसे कौमी परिंदा समझ रहे। सर इस स्टूडेंट की सोच पेट से आगे है। सर जी हमारा कौमी परिंदा चिड़िया है। तो ये कुजरा वाला में सीखों के ऊपर हमारे कौमी परिंदे चढ़े हो? कौमी परिंदों के शोहर चिड़े चढ़े हो? नहीं सर, बीच में चिड़िया भी होती है। लोग जब वहां पे सीख पे चढ़ाते हैं ना, तो शनाख्ती कार्ड भी चढ़ाते। और भाई पाकिस्तान का कौमी परिंदा चकोर है। चकोर। कहता रहा हूं ना आप लोगों को असेंबली में भी कि हमारा कौमी परिंदा चकोर है। सर ये चकोर जो है, ये चकोर होता है? इंतहाई खूबसूरत परिंदा है चकोर यार। इस वक्त तुम्हें स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। सर मैं तो स्क्रीन के अंदर बैठा हूँ, मुझे नहीं नजर आ रहा। चलो सुबह 9 बजे देख लेना। ओके सर, यानी 9 बजे तक करते हैं सिग्नल आ ही रहे। अच्छा जी, अगला सवाल ये है, पाकिस्तान का कौमी फल क्या है? सर जो आप अफोर्ड करते हैं, क्योंकि सर फल इतना महंगा है कि कौमी फल तो वही होगा जो बंदा अफोर्ड कर सके। लो फिर इस हिसाब से तो हमारा कौमी फल बेर हुआ। सर हम बचपन में हम सायों की दीवार पे चढ़ के बड़े कौमी फल तोड़ा करते। ओ जाहलो, हमारा कौमी फल लसूड़ा है। वो कैसे? सर वाहिद एक फल है लसूड़ा, जो हर घर में पाया जाता है, बिशक अचार में हो। ओफो सर जी, ये तो सारे पढ़े लिखे जाहिल लग रहे हैं मुझे। हमारा कौमी फल है शतूत। वैसे एरम तुमने तो हादी कर दी है। ये छाबड़ी वाले क्या गली में हमारे कौमी फल की वाह लगा रहे होते हैं? एक कौमी फल जलेबा ठंडा ठा रहे। सर जी जितने जितने हर घर में बच्चे हैं ना जी, हमारा कौमी फल है दुआना। एक दुआना ले आओ तो सारे बच्चे रज जाते हैं। मैंने कहा शायद कहने लगा जितने जितने हमारे हर घर में बच्चे हैं ना जी, हमारा कौमी फल है अब्बा। पाकिस्तान का कौमी फल है आम। और आम पाकिस्तान का ऐसा कौमी निशान है, बल्कि कहना चाहिए वाहिद कौमी निशान है, जिस पर पाकिस्तान की हुक्मरानी भी है। सर वजाहत कर दे, यारा कौमी फल हमारा चौंसा है या लंगड़ा है? सारे आम यार। सर जी मुझे पता था, मैं भूल गया था। चूंकि गर्मियां नहीं ना ले आई, इस गल भूल गया। अच्छा जी आप बताए पाकिस्तान का कौमी मशरूब क्या है? सर सत्तू। नहीं, शक्कर कोला जी। नहीं सर, हमारा कौमी मशरूब वो है जिससे तड़ा तड़ सारी कौम को हेपेटाइटिस हो रहा है। कौन सा? गंदा पानी। नहीं गंदा पानी तो नहीं है, लेकिन ये हेपेटाइटिस वाली बात है, ये किसी हद तक ठीक है कि हम अपना कौमी मशरूब पी के बड़ी तादाद में हेपेटाइटिस के मरीज बन रहे हैं। और हमारा कौमी मशरूब है गन्ने का रस, यानी रॉ। जिते रहो राजी रहो। अच्छा सर, कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि कौमी मशरूब में अगर अदरक और नींबू भी डाल लिया जाए तो फिर वह ज्यादा अच्छा कौमी मशरूब होता है। यार मैं हिकमत नहीं सिखा रहा, कौमी निशानात बता रहा हूँ। कौमी मशरूब हमारा है रो, गन्ने का रस भी उसे आप कह सकते हैं। अच्छा जी, कौमी फूल। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। आप बताए जी। गोभी का फूल सर। जी सर जी, जे विच छोटा गोश्त पाया हुए। सर मैंने आपको बताया ना, इस स्टूडेंट का दिमाग पेट में है। अच्छा तुम बताओ भाई। बताओ यार, मैं पूछ रहा हूँ। बताओ कौमी फूल कौन सा? उनको पता है कि इसको तो पता ही है, वो आप लोगों से पूछते हैं। बताओ ना कौमी फूल। हाँ जी सर, हमारा कौमी फूल वो है जो वैलेंटाइन डे पे आपको कोई लड़की पेश करे।
خدا کا خوف کر پاکستان کا قومی پھول ہے گل یاسمین جیسمین دیکھا میں نے سر ان کو بتایا تھا کہ ہمارا قومی پھول جو ہے یہ فلم سٹار یاسمین ہے ناظرین یہ سب کچھ تھا حسب حال خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ